So let us go ahead with next question. A gardener waters a plant by a pipe of diameter 1 mm. The water comes out at a rate of 10 cm cube per second. The reactionary force exerted on the hand of the gardener is. So a good question, thoda sa difficult level ka hai, so you should pay attention here. So there's a gardener who is watering the plants by a pipe. एक पाइप है एंड इस पाइप का डायामीटर है 1 mm. डायामीटर है तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिलेगा तो यू विल गेट एरिया. व्हाट यू हैव इज दिस, हमारे पास एक पाइप है एंड गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप. तो यहां से वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पाइप और ये जो वाटर इट इज कमिंग आउट, तो द रेट एट विच इट इज कमिंग आउट वो भी बताया है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. The rate at which water is coming out is 10 centimeter cube per second. Remember, अगर आपको समझ में नहीं आया कि हमारे पास कौन सा physical quantity दिया है, तो do not worry, क्योंकि centimeter cube मतलब क्या होता है, volume upon second मतलब time. तो आपको क्या दिया है, dV by dt. So you can write this as dV by dt, या फिर आप इसको simply लिख सकते हो V by t. तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, इन शॉर्ट एक सेकंड में कितना लीटर बाहर निकलेगा, एक सेकंड में कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आएगा, दिस इज द आइडिया. तो आपको इसको और एक वर्ड है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स याद होगा, फ्लूइड डायनामिक्स याद होगा, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. तो वॉल्यूम फ्लक्स इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और आपको डायामीटर दिया है इस पाइप का. डायामीटर दिया है मतलब क्या दिया है, आपको रेडियस दिया है. सो यू हैव डायामीटर विच मीन्स यू हैव रेडियस. तो डायामीटर दिया है, रेडियस मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. हमको पूछा है व्हाट इज द रिएक्शनरी फोर्स, तो यू शुड रिमेम्बर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. तो एक्शन ये है, वॉटर कमिंग आउट इज एक्शन. तो पानी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो गार्डनर के हाथ को एक रिएक्शन फोर्स विच विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देयर विल बी अ रिएक्शनरी फोर्स विच विल एक्ट ऑन दिस. तो कैसे फाइंड करेंगे, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट वी नो. व्हाट डू यू नो, व्हाट इज फोर्स, डीपी बाय डीटी, फाइन, या तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज एक्सेलरेशन, वी बाय टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट. अब हमारे पास ये v वेलोसिटी है, ये कैपिटल v वॉल्यूम है. इसको बाहर ले लेता हूं, तो इसको लिख देता हूं v रो और इसको यहां ले लेता हूं वॉल्यूम अपॉन टाइम. वॉल्यूम अपॉन टाइम हमारे पास है क्या, यस यू हैव. वॉटर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वॉटर, 10^3, 10³, 1000 मतलब, राइट. तो ये भी पता है, ये भी पता है. क्या पता नहीं है, दैट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी पता नहीं है तो हमको समहाउ फाइंड करना पड़ेगा. तो दो दो मेथड है इसको फाइंड करने की, मैं आपको इजीएस्ट बताता हूं. यू शुड नो बेसिक बेसिक्स ऑफ 11th चैप्टर नंबर 1 डायमेंशनल एनालिसिस. तो जिनको नहीं पता वो समझ लो अच्छे से. ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब एल रेज टू 3 अपॉन टी. डायमेंशनली बोल रहा हूं मैं, डायमेंशनली दिस इज डिस्टेंस क्यूब अपॉन टाइम. और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड. हमारे पास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें आया मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है हमको, राइट. रिमेंबर व्हाट इज गिवन टू अस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड. और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या नहीं है, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. तो मैं एक काम करूंगा, आई विल फर्स्ट राइट दिस एज मीटर पर सेकेंड. बचा क्या, मीटर स्क्वायर, करेक्ट. दिस इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, दिस इज स्पीड वेलोसिटी एंड दिस इज एरिया, राइट. तो यहां से आपको मिल जाएगा v, स्मॉल v इज इक्वल टू v अपॉन 80, करेक्ट. तो हमारे पास वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन नहीं था, तो
तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके यूजिंग बेसिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11 हमने बेसिक बेसिक आइडिया यूज करके वेलोसिटी को बना लिया वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टाइम। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी, दैट इज करेक्ट। तो ओनली बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव डिराइव्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। तो एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 from equation number 1 and 2 what you can have is force equal to v, v is speed, speed is volume upon area into time, density or a volume upon time. So ye mil jayega volume upon time into volume upon time matlab volume upon time ka square, to volume upon time ka square rho upon a, correct? ओके, वॉल्यूम अपॉन टाइम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में था, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर्स? 10^-2, 10^-2 का क्यूब कितना? 10^-6, तो 10^-6 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो यह आ जाएगा 10^-5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमारे पास v by t है विच इज 10^-5, इसका स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3, एरिया, एरिया फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर से आपको रेडियस मिलेगा, रेडियस से आपको एरिया मिलेगा। हाउ मच इज डायमीटर? 1 mm, डायमीटर ऑफ द पाइप इज 1 mm, मतलब रेडियस कितना? 0.5 mm, 0.5 mm मतलब कितना? 5 × 10^-4 मीटर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट पाई इनटू 5 × 10^-4 का स्क्वायर, 5² = 25, पाई एज इट इज, 10^-4 का स्क्वायर इज 10^-8, तो 25 पाई इनटू 10^-8 इज एरिया, तो 25 पाई इनटू 10^-8 इज एरिया। यहाँ तक क्लियर? अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया, इजी। 10^-5 का स्क्वायर कितना? 10^-10, और ये कितना था? 10^3, नीचे कितना है? 10^-8, ऊपर कितना आएगा? 10^8 अपॉन कितना है? 25 पाई, राइट? तो व्हाइल सॉल्विंग ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने बहुत बार बताया है, मैं वापस बता रहा हूँ, नीचे 25 अगर आता है तो ऊपर 100 एडजस्ट कर लो, राइट? नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 10^-10 और ये +11, तो कितना बचा? 10, करेक्ट, अपॉन 25 पाई। मैंने क्यों बोला 100 एडजस्ट करो? क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 अगर मैं करता हूं, ऐसा करने से सिर्फ इतना ही होगा, मेरे पास कितना बचा था? मेरे पास बचा था 10^1, तो हमारे पास कितना बचा है? 10^1। मैंने क्या किया, इंटेंशनली इसको 100 लिख दिया और ये 10^-1 एडजस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 and 4, राइट? 4 upon pi, मैंने आपको बताया था 1 upon pi होता है 0.318, राइट? तो 1 upon pi की वैल्यू 0.318 स्ट्रेट अगर याद होना चाहिए आपको। व्हाट इज 318 × 4? 320 × 4 कितना होता है? 1280, उसमें से 8 माइनस करो क्योंकि हमने 318 था, हमने 320 ले लिया, कितना? 1272, रिमेम्बर, और ये पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 1.272 × 10^-1, मतलब कितना? 0.1272 न्यूटन, राइट? अब ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, है क्या? ओह यस, ऑप्शन नंबर डी, तो 0.127 न्यूटन, हम ज्यादा एक्यूरेट कर लिया, हमने कर लिया 0.1272, राइट? तो वापस एक बार आइडिया समझ लो, देयर वाज अ गार्डनर हु वाज वाटरिंग द प्लांट्स। देखा होगा आपने भी, अगर गार्डनिंग किया होगा तो आप पाइप को हाथ में रखते हो, पानी निकलता है पाइप से, दैट इज एक्शन,
Every action is equal and opposite reaction. So your hand feels jerk on the opposite side. तो वो फोर्स कितना वो पूछा था और आपको दिया था अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. डायमीटर ऑफ द पाइप दिया है, वहां से रेडियस मिलेगा, रेडियस से एरिया मिलेगा. अब सिर्फ रह इतना गया था कि हमको फोर्स फाइंड करना है, रिएक्शनरी फोर्स फाइंड करना है. तो फोर्स का इक्वेशन क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन. डू वी नो मास? नो. डू वी नो एक्सीलरेशन? नो. तो मास को मैं लिखूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एक्सीलरेशन विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम. से मैंने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया. तो स्मॉल वी विच इज वेलोसिटी इसको आगे लिख दिया और कैपिटल वी विच इज वॉल्यूम उसको यहाँ लिख दिया हमने. क्यों? क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम अपॉन टाइम ये गिवन पैरामीटर है, ये गिवन है हमको, राइट. देन डेंसिटी तो पता है 1000, ये भी पता है, राइट. बट यू डोंट नो व्हाट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी पता नहीं था तो हमने वेलोसिटी के लिए पहले एक इक्वेशन बनाया. कैसे बनाया? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो याद होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड का पहला ही चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस. तो व्हाट आई डिड इज मेरे पास वी बाई टी की इंफॉर्मेशन थी. तो मतलब मेरे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड ये था. तो मैंने सोचा चलो ठीक है इसको मीटर पर सेकेंड लिखते हैं. तो मीटर स्क्वायर साइड में आ गया. ये था वी बाई टी, कैपिटल वी इज वॉल्यूम, ये है स्मॉल वी वेलोसिटी और ये आ गया मीटर स्क्वायर मतलब एरिया. तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल गया वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टाइम. तो वी इज वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टाइम. तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे वी की जगह पे वी अपॉन ए टी रो वी अपॉन टी, वी अपॉन टी का स्क्वायर रो बाई ए. अभी हमारे पास वी बाई टी भी है, हमारे पास रो भी है, हमको ए भी पता है. जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Next question, and before we move ahead to next question, you should know what is a free body diagram. Free body diagram, FBD. We will not be using it a lot. हम ज़्यादा use नहीं करेंगे. मैं सिर्फ आपको difference बताऊँगा how to solve a difficult question orally. 15 step का question orally solve होता है. उसके लिए पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, सम ऑब्जेक्ट, और आपको पता है इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. तो विच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? एम जी विच इज डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज अपवर्ड्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम? तो अगर आपको पता होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग करते क्या है, हम यही सिस्टम लेते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सब कुछ हटा दो, रिमूव ऑल द सराउंडिंग, जस्ट कीप बॉडी एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. तो आजू बाजू में जो कुछ भी उसको हटा देना, जस्ट कीप बॉडी एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूँ. हमने कल देखा हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस था, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन था. इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमारे पास एक बॉडी थी, इफ यू रिमेंबर, एंड यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. तो वी हैड दिस इंक्लाइंड सरफेस एंड वी हैड अ बॉडी ऑन दिस. तो कौन कौन से फोर्सेस थे? एम जी, एम जी विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नॉर्मल रिएक्शन वॉज समथिंग लाइक दिस. तो अगर आपको याद है ये एम जी है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है. तो ये एम जी कॉस थीटा है और यहाँ पे आपके पास आएगा एम जी साइन थीटा. तो ये आएगा एम जी साइन थीटा. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करना होगा तो सिर्फ फोर्सेस रखने हैं, सराउंडिंग हटा देना है. तो फॉरगेट अबाउट दिस, दिस बिकम्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. और बहुत सारे जगह पे तो बॉडी भी नहीं दिखाते, दे डू नॉट शो दिस, दैट्स इट, दे जस्ट शो फोर्सेस, राइट. तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम. तो नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं कम से कम यूज करूंगा इसको, वी विल नॉट यूज अलॉट. अब अगला क्वेश्चन है, टू मासेस 2 kg एंड 3 kg आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पास्ड ओवर अ पुली फिक्स्ड एट द टॉप.
टेंशन एंड एक्सेलरेशन आर। तो ऐसा है, हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में एक पुली है, पुली इज अटैच्ड एट द टॉप। यू नो व्हाट इज अ पुली? यस, पुली, पुली में ऐसा एक अरेंजमेंट होता है, यू हैव समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर से वी कैन पास अ स्ट्रिंग, इसके ऊपर से हमने एक वायर पास कर दिया स्ट्रिंग, राइट। देन इसके एक साइड के फ्री एंड पे आपने 2 किलोग्राम का मास अटैच किया है और दूसरे साइड पे यू हैव अटैच्ड 3 किलोग्राम। तो जहां पे ज्यादा वेट है ऑफ कोर्स वो नीचे होगा, राइट। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 kg है, तो यहाँ पे फोर्स होगा 2g mg 2g, यहाँ पे 3 kg है तो यहाँ पे होगा 3g। तो जहां मास ज्यादा होता है वहां सिस्टम नीचे जाता है, तो एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड फॉर 3 kg मास एंड एक्सेलरेशन इज अपवर्ड फॉर 2 kg मास, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग, जो स्टैंडर्ड आपको बताया था ना, ऐसा ऐसा करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो उसके हिसाब से आपको बोलेंगे आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये आ गया फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। फिर आपको बोलेंगे लुक एट द फोर्सेस। मैंने आपको बताया था टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज अपवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे ऊपर दिखने वाला है टेंशन, तो ये आ गया टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। हमको फाइंड करना था व्हाट इज टी टेंशन एंड व्हाट इज ए एक्सेलरेशन। तो बुक का जो मेथड है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, और बाय द वे और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब तक रस्सी चेंज नहीं होता तब तक टेंशन चेंज नहीं होता। सेम स्ट्रिंग है ना, एक ही रस्सी था, तो यहाँ पे टी तो यहाँ पे भी टी। अगर दो स्ट्रिंग होते तो टी वन एंड टी टू, तो यू हैव सेम स्ट्रिंग, यू हैव सेम स्ट्रिंग, तो टी एंड टी, ओके। देन ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था जो सिस्टम नीचे जा रहा है उसके लिए नेट एक्सेलरेशन कितना, जी माइनस ए या जी प्लस ए? माइनस ए। अगर आप 3 kg मास का देखोगे तो इट इज गोइंग डाउन, तो नेट फोर्स इन दिस केस विल बी डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है 3g, अपवर्ड फोर्स कितना है टी टेंशन। फॉर 2 kg मास इट इज गोइंग अप, तो नेट फोर्स इज अपवर्ड फोर्स मतलब कितना टेंशन माइनस डाउनवर्ड फोर्स मतलब कितना 2g, करेक्ट। बट व्हाट इज नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज मास हियर 2, व्हाट इज एक्सेलरेशन ए, तो 2a इक्वल टू टी माइनस 2g। यहां से नेट फोर्स इसके लिए कितना होगा 3a इक्वल टू 3g माइनस टी। यहां से आपको t मिल जाएगा 2a प्लस 2g मतलब 2 इंटू जी प्लस ए। यहां से t आपको मिल जाएगा 3g माइनस 3a मतलब 3 इंटू जी माइनस ए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दे आर सेम, दोनों टी एंड टी है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट यू कैन डू इज टेंशन टेंशन इक्वल, तो 2g प्लस ए इक्वल टू 3g माइनस ए, राइट। हमको फाइंड क्या करना था ए, तो 2g प्लस 2a इक्वल टू 3g माइनस 3a, राइट। शिफ्ट शिफ्ट, इसको यहां ले आओ 5a, इसको वहां ले जाओ, राइट। तो व्हाट इज ए, जी बाय 5, ए मिल गया जी बाय 5, तो ए जी बाय 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, करेक्ट। ये स्टैंडर्ड मेथड है, हम नहीं करने वाले मेथड, सिर्फ बता रहा हूँ, ये बुक का मेथड है, तो शायद ये भी नहीं है, और ज्यादा स्टेप्स है, व्हाटएवर इट इज, राइट।
अब और क्या फाइंड करना था, टेंशन। अब टेंशन के दो इक्वेशन है, किसी में भी एक ही वाले सब्स्टिट्यूट कर दो, विच एवर यू लाइक, इक्वेशन नंबर वन में डाल देते हैं। तो पुट ए इक्वल टू जी बाय फाइव इन इक्वेशन नंबर वन। क्या था ये, टू इंटू जी प्लस ए, हाउ मच इज जी प्लस जी बाय फाइव, सिक्स जी बाय फाइव, व्हाट इज सिक्स इंटू टू, तो 12 जी बाय 5, तो 12 जी बाय 5 एंड जी बाय फाइव ऑप्शन नंबर डी, राइट। वेट, बहुत बहुत बड़ा हो गया, दिस इज टू लेंथी टू सॉल्व, तो लेट अस हैव अ ट्रिक। और एक बार ये ट्रिक समझा तो अगले सारे क्वेश्चंस खत्म, मतलब जस्ट बाय लुकिंग यू कैन आंसर इट। अब ये याद रखना, ये जो डायग्राम है ये मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन एट द सेम टाइम, ये सारा का सारा पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए। 3 किलोग्राम ज्यादा वेट है तो उस तरफ सिस्टम नीचे जाएगा, 2 किलोग्राम कम वेट है तो यहाँ पे सिस्टम ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज अपवर्ड हियर एंड डाउनवर्ड देयर। और रिमेंबर व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज एक्सेलरेशन, तो हमको तो ऑलरेडी पता है ना, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, पता है कि नहीं, एफ इक्वल टू एम आई। सिर्फ एक काम करना, यहाँ पे लिखना नेट फोर्स और यहाँ लिखना मास टोटल, दैट्स इट। नेट फोर्स 3g इज टेकिंग द सिस्टम डाउनवर्ड्स, ये ब्लॉक सिस्टम को नीचे लेके जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 3g-2g, तो नेट फोर्स कितना होगा, 3g-2g। व्हाट इज टोटल मास, 5 आ गया जी भाई, 5। अब खुद कंपेयर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेप्स अगेंस्ट दिस नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो 3g-2g अपॉन टोटल मास, और ये मिल गया, ये मिल गया, तो टेंशन क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए है, तो दोनों में से जहां चाहो वहां अप्लाई कर दो, लिख दो टेंशन इज मास इंटू ए, राइट राइट। तो टेंशन इज मास इनटू ए, या तो टेंशन अगर फाइंड करना ही है तो ऑफ कोर्स दोनों में से किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेना, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि टेंशन फाइंड करना इज नॉट रियली डिफिकल्ट। टेंशन के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है, कोई भी दोनों में से एक जो भी आपको अच्छा लगे, हमने पहले कहां से फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर वन से, अब टू से करते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज एक सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम लेना, एक सिस्टम का, ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, डाउनवर्ड 3g अपवर्ड t, लेकिन फोर्स यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3, तो 3 a 3a = 3g-t, तो t = 3g-a, ए कितना है, g/5, तो g/5, राइट। व्हाट इज g-g/5, कितना 4g/5, और बाहर कितना है 3, तो 3 × 4g/5 कितना होता है 12g/5। आप 3 kg का मास लोगे तो भी आंसर वो आएगा, और 2 kg का मैंने पहले ही बता दिया, 2 kg का जब मास लिया था तो उस केस में भी आंसर सेम था, तो बेटर यू सॉल्व विथ मेथड नंबर वन। तो मेथड नंबर वन इज मच मच कॉम्पैक्ट कंपेयर टू मेथड नंबर टू। डन, फाइन। वन लास्ट थिंग, वी कैन स्टिल हैव मोर शॉर्टकट्स, जैसे मैंने आपको बताया फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट, वही कर रहा हूं जो लिखा है, वही सेम है, जस्ट विथ सम लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। यहां तक तो इजी था, जब मैंने आपको लिफ्ट का केस बताया था, ऑब्जेक्ट इनसाइड लिफ्ट, याद है मैंने क्या बोला था, व्हेन अ सिस्टम इज गोइंग डाउन g-a, व्हेन सिस्टम इज गोइंग अप, तो अगर आप 3 kg मास की बात कर रहे हो तो इट इज गोइंग डाउन,
और अगर आप 2 kg की बात करें तो इज गोइंग अप, और टेंशन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर अ सिस्टम गोइंग डाउन एक्सेलरेशन इज जी माइनस ए, खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। ये कितना है, 3 g - g/5, तो 3 × 4 g/5, तो 12 g/5। सिमिलरली सिर्फ आपको बताने के लिए, अगर मैं 2 kg मास की बात करता तो 2 kg मास इज गोइंग अप, तो mg + a, m कितना है 2, a कितना है g/5, ये कितना है 6 g/5 × 2, 12 g/5। तो विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस जस्ट बाय लुकिंग, ए ऊपर जा रहा है क्या, तो g + a × m, ये नीचे आ रहा है क्या, g - a × m, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज द सेम टाइप क्वेश्चन। नाउ इफ यू फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो वापस 15-20 स्टेप लग जाएंगे हमको सॉल्व करते करते, और अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे तो ओरली होता है 3 ब्लॉक्स ABC वेइंग 1, 8 एंड 27, 1, 8, 27, 36 टोटल, 40 टोटल मास, 1 + 8 + 27, 36, 36 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विथ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड आर मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो जब फ्रिक्शन आएगा तो मैं सरफेस को रफ कर दूंगा, अभी स्मूथ है मतलब देर इज नो फ्रिक्शन, राइट। T3 इज इक्वल टू 36, जो T3 है ना ये 36 न्यूटन है, मतलब ये पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स। ये सिस्टम टू द राइट मूव होगा क्योंकि ये T3 कितना है 36 न्यूटन। T2 इज इक्वल टू, अब एक काम करना, T2 मतलब ये बीच का स्ट्रिंग, लेट अस पुट अ लाइन हियर, ओके। अब क्या फाइंड करना है, T2, व्हाट इज T, टेंशन, व्हाट इज टेंशन, फोर्स, तो टेंशन फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। फॉर्मूला तो सेम है ना, डायमेंशनली तो तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम नहीं बोल सकते कि मैं मास इनटू वेलोसिटी लिखूंगा, मतलब मास इनटू ए ही रहने वाला है, वो पता होना चाहिए। अब हाउ टू सॉल्व दिस वाया शॉर्टकट मेथड, क्या फाइंड करना है, T2, तो ड्राइविंग फोर्स इस तरफ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को आप टू द राइट खींच रहे हो, और फाइंड क्या करना है, T2, तो T2 के पीछे कितना मास है वो देखो, कितना मास है ए और बी का, तो यहां पे लिख देना MA + MB, राइट। जिस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है उसके पीछे कितना मास है वो देखना, जो ड्राइविंग एंड है वो छोड़ के पीछे के साइड, नहीं तो बोलोगे यहां से देखना तो सिर्फ सी दिखता है, ड्राइविंग कहां से हो रहा है, राइट से, तो देखना कहां है, लेफ्ट में। व्हाट इज एक्सेलरेशन, मैंने अभी बताया था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स मतलब यहां पे ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, T3 अपॉन टोटल मास, राइट। व्हाट इज MA, 1, व्हाट इज दिस, 8, 1 + 8, 9, व्हाट इज T3, व्हाट इज टोटल मास, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब अगर पूछा होता व्हाट इज T1, ओरली बताओ व्हाट इज T1, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, एक्सेलरेशन विल नेवर चेंज, एक्सेलरेशन विल बी T3 / m टोटल, T3 इज 36, m टोटल इज 36, तो व्हाट इज A1। अब मुझे बताओ T1 फाइंड करना है तो इसके पीछे कितना मास है, 1, तो m कितना आएगा, 1, a कितना है, 1, तो व्हाट इज T1, 1, राइट, गुड ना। लेट अस टेक वन जनरल एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, लेट अस टेक दिस सरफेस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है रेल के डब्बों का, यू हैव रेल ट्रेन एंड यू हैव 100 कंपार्टमेंट्स, व्हाट इज द टेंशन, क्योंकि आपको पता है दो रेल के डब्बे दे आर कनेक्टेड विथ रॉड्स, देखा है कभी आयरन रॉड से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द टेंशन बिटवीन कंपार्टमेंट नंबर 10th एंड 11th। अभी इंजन जिस साइड पे है, ड्राइविंग फोर्स उस साइड पे है, टोटल कितने डब्बे थे, 100, पूछा किसमें है, 10th एंड 11th, मतलब
वो जो 10th और 11th को कनेक्ट करने वाला रॉड है उसके पीछे और कितने होंगे, 90, तो टोटल मास कितना होगा, 90 इंटू मास ऑफ ईच कंपार्टमेंट, राइट। और ड्राइविंग फोर्स जो भी इंजन का होगा दैट इज ड्राइविंग फोर्स, तो आप फाइंड कर सकते हो। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप। मेरे पास एक मास है, सम मास m, फिर मेरे पास और एक मास है सेकेंड मास, फिर मेरे पास और एक मास है थर्ड ए बी सी, देन आई हैव अनदर मास d, देन आई हैव अनदर मास लेट अस से e, दिस इज द सिस्टम। ओके, अब मैं काम करूंगा, मैं ड्राइविंग फोर्स यहां से लगा देता हूं, बेटर यहां से एक ड्राइविंग फोर्स है, इसको नाम जो चाहो वो दे सकते हो, T1 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, तो यू कैन कॉल दिस एज T1 या फिर इसको T1 बोल दो, डजंट मैटर। T2, T3, T4 एंड T5, T5 इज ड्राइविंग फोर्स। टेल मी, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये ई ब्लॉक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज टेंशन T4? मैंने क्या बोला था, ड्राइविंग जिस साइड है उधर नहीं देखना, उल्टे साइड। T4, तो T4 के पीछे कितना मास है, MB प्लस MC प्लस MD प्लस ME एक्सेलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स। कौन सा ड्राइविंग फोर्स था, T5 अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास, MA प्लस MB प्लस MC प्लस MD प्लस ME, तो टोटल मास, तो नीचे आ जाएगा आपका टोटल मास, ये आ गया आपका T4, राइट। व्हाट अबाउट T3? दिस इज T3, राइट, क्योंकि T3 तो MC प्लस MD प्लस ME। व्हाट अबाउट T2? व्हाट इज T1? राइट, तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ए मैंने क्यों बताया, क्योंकि नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। थ्री सॉलिड्स ऑफ मासेस M1, M2 एंड M3 आर कनेक्टेड विथ वेटलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का वेट नहीं है, इन सक्सेशन, मतलब M1 फिर M2 फिर M3, एंड आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल इफ मास M3 इज ड्रैग्ड। ड्रैग्ड मतलब ड्राइविंग फोर्स, तो खींच किस कर रहे हो, M3 को, विद अ फोर्स T। द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन M2 एंड M3 इज, बिटवीन M2 एंड M3 खींचा किसको, M3 को, M1, M2 और M3 था, आपने किसको खींचा, M3 को। टेंशन बिटवीन M2 एंड M3, टेंशन बिटवीन M2 एंड M3, तो वापस यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये इमेजिनेशन बढ़ाना ही पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यू विल हैव टू इमेजिन दिस सिस्टम। तो ऐसा है, ये जो मास है इसको मैं बोल देता हूँ M1, इसको बोल देता हूँ M2, या तो उल्टा एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं M3, इसको बोल देते हैं M2, इसको बोल देते हैं M1। आपने ड्रैग किसको किया, M3 को, और टेंशन कहाँ पूछा है, बिटवीन M2 एंड M3, करेक्ट। टेंशन आपको यहाँ फाइंड करना है, तो व्हाट इज द टेंशन हियर, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट अस से T डैश, ठीक है, T डैश क्या आएगा, M2 प्लस M1, मतलब M1 प्लस M2 A, व्हाट इज A, ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, T बोला है ना, बोला है T यहाँ पे, राइट, T अपॉन टोटल मास, व्हाट इज टोटल मास, M2 प्लस M3, देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C लगा। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, जस्ट टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर, नो यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन एनीथिंग, टेल मी।
three blocks of masses M1, M2, M3 are connected by massless string as shown in figure. They are pulled. Pulled, कौन सा फोर्स है पुलिंग? T3 कितना है? 40. राइट, आपको क्या पूछा है? T2. तो आपने क्या किया? M1 प्लस M2 कितना है? 16. What will be A? A is pulling force. Pulling force कौन है? T3. What is T3? 40 upon total mass. 40 by 20, 2. 2 into M1 plus M2, 16 into 2. How much? 32 Newton. Done. यही answer है option number D. Correct. D. Next question. Two masses M1 and M2, M1 is greater than M2, are connected by massless, flexible and inextensible string passed over massless and frictionless pulley. The acceleration of center of mass is. ये question थोड़ा अलग है. ये question थोड़ा अलग है in the sense, पहले आपको पता होना चाहिए center of mass का concept क्या. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता होने के लिए पहले पता होना चाहिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. एग्जैक्टली पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? एवरी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल unbalanced force. So a small correction, not every body, a particle. Matlab Newton's laws of motion body ke liye apply hote hi nahi hai. They're applicable to point masses. Number one. Ye cheez yaad rakhna. Matlab agar mere paas ek point mass hai, wo rest pe hai to rest pe rahega. Agar wo uniform motion mein hai to motion uniform rahega. Uniform motion matlab it will keep on moving with constant velocity unless you apply external unbalanced force, right? अगर मैंने external unbalanced force apply कर दिया इसके ऊपर तो क्या होगा? तो होगा acceleration by this rule. This rule is second law, Newton's second law of motion, dp/dt, और ये आता है बाद में m into t, right? Remember Newton's laws of motion सिर्फ पार्टिकल्स के लिए ही था, वो कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए था ही नहीं. क्यों नहीं था? बिकॉज द आइडिया हियर इज, अगर मैंने एक बॉडी लिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर बॉल और मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एग्जैक्टली कौन से पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हुआ वी कैनॉट से एनीथिंग. रिमेंबर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये ऐसे बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं. तो फिर हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पूरे के पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. So center of mass is a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to make Newton's laws of motion valid for this body. So is pure body pe agar aapko, if you want to apply Newton's laws of motion to this body, to aap kya karte ho? Aap center of mass ko pehle aap define karte ho ki ye center of mass hai. Matlab jo bhi force act ho raha hai wo kiske ho raha hai? Center of mass pe. तो इस फोर्स ने जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया वो किसका किया? सेंटर ऑफ मास का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू नो थ्री थिंग्स कि हाउ डू यू फाइंड आउट. अभी जो सेंटर ऑफ मास था ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास. इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसको बोलते हैं वाई सेंटर ऑफ मास. So I want to know from you, how do you find out what is x coordinate of center of mass, what is y coordinate of center of mass? कैसे find करते हैं? m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. हो सकता है मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. इस n नंबर ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, रेड डॉट इज सेंटर ऑफ मास. तो पहले पार्टिकल का
कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे का x2 y2, तीसरे का x3 y3, चौथे का x4 y4, सो ऑन सो फोर्थ। पहले का मास m1, दूसरे का मास m2, तीसरे का मास m3 m4 m5, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास। इसको फाइंड कैसे करते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 अपॉन m1 प्लस m2। ये स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है क्योंकि आप x और y कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात कर रहे हो। सिमिलरली y के लिए आप लिखोगे m1 y1 प्लस m2 y2, सो ऑन सो फोर्थ अपॉन m1 प्लस m2। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम x और y को अलग अलग से लिखते ही नहीं है, वी जस्ट मेक अ पोजिशन वेक्टर। यू शुड नो व्हाट इज अ पोजिशन वेक्टर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज पोजिशन वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय पोजिशन वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशन वेक्टर। What is position vector? What is position vector? A vector which starts from origin and ends at the position of the point is called as position vector. Normally we denote it by r bar. या तो आप point को एक्स वाई के term में लिख सकते हो या directly आप vector के form में लिख सकते हो। अगर आप एक्स वाई के form में लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी m1 x1 प्लस m2 h2 अप टू जितने भी पार्टिकल्स होंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, सो ऑन सो फोर्थ। और y अलग से फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अलग अलग है, r1 बार r2 बार r3 बार r4 बार, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का आएगा आर बार, और उसको हम लिखते हैं m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार एक्सेट्रा। नीचे लिखते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। तो या तो आप इन टर्म्स ऑफ x और y लिखो या इन टर्म्स ऑफ सीधा वेक्टर लिख सकते हो। देन अब अगर यहां तक क्लियर है तो आगे का समझेगा। अब इमेजिन मेरे पास एक सिस्टम था, सिस्टम में मेरे पास n पार्टिकल्स थे, इस n पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, रेड डॉट मतलब सेंटर ऑफ मास। हमको पता है सेंटर ऑफ मास को लोकेट कैसे करना। अब अगर पूरा का पूरा सिस्टम मूव होगा तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी v1, इसका v2, इसका v3, वैसे ही सेंटर ऑफ मास का v सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, सो ऑन सो फोर्थ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी होंगे उतने। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉडी है ये मूविंग तो है, मतलब इसका मोशन तो है, लेकिन अलोंग विथ मोशन इट इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो इसका एक्सेलरेशन भी है। तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका पहले पार्टिकल का a1, दूसरे का a2, तीसरे का a3, सेंटर ऑफ मास का acm। तो a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1, और ये ऑफ कोर्स वेक्टर्स आएंगे, तो m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो बॉडी अगर रेस्ट पे होगा तो हम सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, अगर बॉडी मूविंग होगा तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, अगर बॉडी एक्सेलरेटिंग हुआ तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए, इतना पता है देन यू कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो टू मासेस m1 and m2, m1 is greater than m2, important है, are connected by massless, flexible and inextensible string. ये ऐसा है, which is passed over a pulley. हमारे पास एक पुली है, इस पुली के ऊपर से हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया,
something like this, right? ओके, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, पुली का खुद का मास नहीं है, और क्योंकि स्ट्रिंग पुली के कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन हो सकता था लेकिन नहीं है, ऐसा बोला है। ये M2 हो गया क्योंकि M2 is less और M1 is more, तो सिस्टम नीचे उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा जहां होगा सिस्टम विल गो डाउन दैट साइड। तो व्हाट यू विल हैव हियर इज, लेट अस से दिस इज M1 एंड दिस इज M2, राइट? तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये है ए, इसका जो एक्सेलरेशन है ये भी है ए, बट रिमेम्बर ए वन बार अगर आप वेक्टर बना रहे हो तो रिमेम्बर दिस, अगर आप इसको प्लस ए लिखते हो तो यहां पे ये माइनस ए होगा, वाई डायरेक्शन एक नीचे तो एक ऊपर, राइट? तो ये माइनस होगा। अगर आपको उल्टा करना है, इसको प्लस लिख रहे हो तो इसको आपको लिखना पड़ेगा माइनस बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के एक्सीशन की जब बात होगी तो वो वेक्टर फॉर्म था, तो हमको पता है कि यहाँ पे तो दो ही मासेस है, तो दो मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सीशन होगा m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2, राइट? गुड, देन यू नो आपको m1 भी दिया है और m2 भी बताया है, तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे, what will you do after this? I don't know what method books are using and I don't really care also. So anyways, क्या करोगे? What is a1? A plus a लिया ना, तो इसको minus बोलो, उसको minus बोला, ठीक है, doesn't matter. So it does not matter. जैसा भी रखना है, दोनों में से एक positive एक negative आएगा ही आएगा. So we will see. Answer match होगा वैसे, क्योंकि square अगर आ गया तो फर्क नहीं पड़ता m1 minus m2 है कि m2 minus m1 है, अगर स्क्वायर आया तो we'll see, right? तो अब ऐसा करते हैं, a1 को a बोल देते हैं और ये वेक्टर हटा देंगे यहां से, क्योंकि अब आप वेक्टर लिखने रहे हो, डायरेक्शन डाल दिया तो वेक्टर हटा देना, माइनस क्योंकि a2 क्या है, माइनस a है, अपॉन m1 plus m2, तो a हो गया कॉमन, m1 minus m2 upon m1 plus m2, और a आ गया बाहर। What was a? नहीं, not g. Net force upon total mass. Net force upon total mass. But a vertical motion में देखो दो केसेस अलग अलग है, ये पुली का केस है, पुली के केस में एक मास नीचे लेके जा रहा है तो ऊपर, दूसरा वाला ऊपर जाएगा, एक नीचे तो दूसरा ऊपर, तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात होगी, राइट? विच इज एम वन जी माइनस एम टू जी, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। और जो टेबल पे हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे ये केस था, ये टेबल पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ग्रेविटी का क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ जो भी फोर्स हम लगाएंगे वो ड्राइविंग फोर्स होगा, तो नेट फोर्स इज T, right? Friction हुआ तो T minus friction, right? तो यहाँ पे आ गया आपके पास net force upon total mass. What is net force? M1 G minus M2 G upon M1 plus M2. So what is A? M1 minus M2 upon M1 plus M2 into G. ये A की value इक्वेशन नंबर वन में जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ये क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू ए, लेकिन ए इज m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g, तो क्या आ गया आपके पास, m1 minus m2 upon m1 plus m2 का square into g, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू मस्ट नो फ्यू बेसिक थिंग्स बेसिक फिजिक्स मैथमेटिक्स बेसिकली नॉट फिजिक्स तो वॉट इफ इमेजिन मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इक्वेशन आपने देखा एस एच एम में एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी और मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है तो हाउ डू यू फाइंड आउट डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी टी वॉट इफ वेलोसिटी दिया है और एक्स फाइंड करना है इंटीग्रेशन तो हम क्या करते हैं हम सिर्फ इस डी टी को यहाँ लिख देते हैं तो यह आ जाता है वी डी टी और यह आ जाता है डी एक्स और हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स तो इंटीग्रेशन वी डी टी इज एक्स राइट सिमिलरली अगर मेरे पास वेलोसिटी है मुझे ए फाइन करना है तो डी वी बाय डी टी और उल्टा यहां पे अगर वी फाइन करना है तो इंटीग्रेशन ए डी टी अगर आपको ये पता है तो अब अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो मतलब बेसिकली जस्ट बेसिक आइडिया देन नेक्स्ट क्वेश्चन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 टी वेयर टी इज टाइम एफ इज इन न्यूटन टोटल फोर्स इज इन न्यूटन टी इज इन सेकेंड्स द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल देयर वाज अ बैरल सम काइंड ऑफ ड्रम इस ड्रम में हमने बुलेट को फायर किया शूट कर दिया तो यू हैव अ बुलेट विच इज बीइंग शॉट इनटू दिस बैरल तो जैसे ही बुलेट बाहर आएगा एज सून एज इट कम्स आउट तो व्हाट इज बिकमिंग जीरो फोर्स तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है इससे आपको पता लग सकता है कि जो बैरल के अंदर बुलेट कितने टाइम तक था वो कैसे फाइंड करते वी विल सी राइट What is the average impulse imparted to the bullet? Average impulse. What is impulse? Change in momentum. मतलब force into time also. So impulse का जो definition है, it is change in momentum dp. Of course no. Newton's laws of motion पता है ना आधा physics तो वहीं हो गया. dp by dt. You know you just said change in momentum. So change in momentum is f dt. So impulse is force into time very small time for which the force acts for example batsman ne ball ko mara to bat aur ball mein contact tha for a very small time so force was acting for a very small time that is impulse for example footballer ne kick maar diya ball ko impulse for example do gaadi ka accident ho gaya impulse kyunki force is acting for a small amount of time so f into t is impulse ab remember ye dt ka problem hai isliye maine bola ki time find karna padega kyun because you will start from this aap bolega theek hai we want to find out average impulse aur average impulse ki baat kab hoti hai jab acceleration ya deacceleration throughout constant nahi ho nahi hai isliye to stop ho jayega na that is why the force becomes zero so first of all aapko agar इंपल्स फाइंड करना है और एवरेज इंपल्स बोला है तो dp इक्वल टू f dt और एवरेज इंपल्स बोलना मतलब इंटीग्रेट करना इंटीग्रेशन किस पे करोगे किस पे करेंगे ओवर टाइम क्यों ओवर टाइम क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल ही टाइम है तो क्या करेंगे आप dt है ना हाँ तो फिर इंटीग्रेशन किस पे होगा टाइम पे फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 where time t1 you can say is the time at which the bullet enters or time t2 is the time at which the bullet leaves main t1 ko to zero bol sakta hu main to bol sakta hu jab enter hua tab zero maan lenge fir kitne second ke baad bahar nikla wo pata nahi to wo pata kaise karoge look at this statement the force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel iska matlab If force is equal to zero, but what is force? 600 minus 2 into 10 power 5 t equal to zero. मतलब 600 is equal to 2 into 10 power 5 t. Ones are and 300s are 10 power 5. What is 10 power 5?
10 पावर 5 इज 100 इनटू 10 पावर 3. मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल. तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 3 upon 10 raised to 3, मतलब 3 into 10 raised to -3 सेकेंड. ये आ गया T2, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन द बुलेट लीव्स. अब ये हो गया, तो देयरफॉर एवरेज इंपल्स डीपी विल बी इंटीग्रेशन एफ डीटी फ्रॉम T1 टू T2. T1 इज 0 एंड T2 को मैं फिलहाल T2 लिख देता हूँ, क्योंकि आखिरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे. T1 को भी आप चाहो तो फिलहाल T1 लिख सकते हो, विल सब्स्टिट्यूट एट द लास्ट, करेक्ट. बट व्हाट इज एफ, व्हाट इज एफ, 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 टी डीटी. अब इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो सबसे पहले पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स डाल लो और फिर इंटीग्रेशन को सेपरेट करो. सेपरेट करेंगे तो पहला इंटीग्रल रहेगा 600 डीटी, लेकिन 600 क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा डीटी, बीच में क्या है माइनस, 2 इंटू 10 पावर 5 क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आएगा टी डीटी, यह आएगा टी डीटी, राइट. तो डीटी का इंटीग्रेशन क्या आता है, टी माइनस 2 इंटू 10 पावर 5. व्हाट इज टी का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 कैंसिल फ्रॉम T1 टू T2. अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे T1 और T2 की जगह पे जो रियल वैल्यूज है वो लिख लेते हैं. तो रियल वैल्यू क्या है, एक तो 0 है और ये क्या था 3 into 10 power -3, सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का तो चिंता करना ही नहीं, 0 है वो, राइट. तो अपर लिमिट इज 600 और ये इंटू टी है, तो टी अपर लिमिट है 10 power 3 into 10 power -3, 10 power 5 और 3 into 10 power -3 का स्क्वायर 1800 और ये 10 power -3 1.8, दिस इज 1.8 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 10 power -6 और -5 plus 5, 10 power -3 का स्क्वायर -6 और ये 10 power 5 कितना 10 power -1, 3 का स्क्वायर कितना 9 into 10 power -1 कितना 0.9. व्हाट इज 1.8 माइनस 0.9, 0.9. व्हाट इज यूनिट ऑफ इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम है, फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकेंड, तो 0.9 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी.